हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और यहाँ आपको वेदांत दिख रहा है, और जो वेदांत है आज बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि इतने दिनों बाद इस बेचारे का चश्मा बनवाया है मैंने, और इसके पापा तो पता चलेगा तो मेरी डांट और पड़ेगी। क्यों बनवाया है इसका, देखने दे इसको, आईपैड बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, माँ का लाटला बच्चा है ये। क्योंकि उनका सबसे पहला डायलॉग हमेशा यही रहता है, तूने ही सर पे चढ़ाया है इसको, तूने ही सर पे चढ़ाया है। कोई तो सुनेगा ये ना बच्चों की, या तो मम्मा सुने या पापा सुने। अब ये मम्मा का लाडला है तो है, अब बुढ़ापे में ये कितना सहारा देता है मुझे वो पता नहीं। फिलहाल मैं इसको सहारा दे दूँ, कट 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 कट। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जो वेदांत है ना, आज उस मुझे सुबह लेके गया था, और उसका स्पेक्स है जो बनवा के आए हैं हम लोग, तो अभी डिलीवरी हो गई है उसके स्पेक्स की। और उसका जो स्पेक्स है वो अपनी फेवरेट शॉप से ही बनवाता है, कहीं और से नहीं बनवाता है, क्योंकि वो जो दीदी है इसकी फेवरेट है। और शॉप का नाम क्या है विदान? कृष्णा ऑप्टिकल्स, ये जस्ट हमारे डीजी वर्ल्ड के सामने है, जो अपने केरिया पैलेस के सामने, मतलब केरिया पैलेस रोड है ना, थोड़ा दोबारा बोल तेज, जो हमारी केरिया पैलेस रोड है ना, हाँ, जस्ट डीजी स्टोर के सामने। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे एरिया में तो बहुत ज्यादा फेमस है, पॉश एरिया है वाकई में, मुलीपुरा का अपना पॉश एरिया है, और डीजी वर्ल्ड के सामने है कृष्णा ऑप्टिकल्स। बहुत स्वीट सी क्यूट सी दीदी वहाँ बैठते हैं, और हमें तो बहुत टाइम हो गया उनसे बनवाए हुए, तो उनकी क्वालिटी के साथ उनकी सर्विस बेस्ट होती है। सर्विस एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत अच्छी डिलीवर करते हैं। तो फिलहाल सिर्फ ये पैकेट से ही पता चल रहा है, ब्लर्ड दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ। वेदांत वेदांत को बहुत अच्छे तरीके से पैक करके दिया है दीदी ने, एकदम गिफ्ट पैक जैसे बर्थडे पे मिलता हो किसी को, है तो बताएगा थोड़ा सा इसके बारे में। गाइस देख रहे हो, मतलब ये मेरा चश्मा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है गाइस। बाहर देखो आप, अंदर से ही देख सकते हो, दीदी ने पहले अंदर एक और क्लॉथ बना के दिया, उसके ऊपर एक रैपर लगा के दिया, और यहाँ पे भी आप लोगों को एक ब्लू कलर का क्लॉथ देख रहा होगा। काफ़ी अच्छी पैकिंग की है एनीवेज। अच्छा, खाली पैकिंग ही दिखा रहा है ये, मुझे तो ये बैग अच्छा लगा, बाकी का तो पता नहीं, बैग अच्छा लगा। यहाँ पे आ चुका है हमारी माते योद्धा माँ का, यहाँ पे भी दिए माते योद्धा माँ का, यानी कि तूने क्रे लाइफ रोहित का व्लॉग देखा क्या आज? यहाँ पे सेम एज वेल। ओके, मेरा तो पावर भी बढ़ गया है, एक साइड का राइट का तो कम हुआ है, लेफ्ट का बढ़ गया है मेरा, और तभी मुझे ना बहुत टाइम से हेडेक हो रहा था। और दीदी ने मुझे फ्री दिए और ये कॉस्ट 60 रुपीस के हैं, तो ग्रेट। दीदी बहुत स्वीट सी है, अगर आपको जाना हो तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, और नहीं तो आप अगर गूगल पे भी करोगे ना कृष्णा ऑप्टिकल्स जयपुर, तो आपको आ जाएगा। हाँ, कृष्णा ऑप्टिकल्स जयपुर मुलीपुरा, बहुत अच्छी शॉप है, तो अगर आप गूगल मैप्स पे भी डालोगे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो वेदांत का भी जो नंबर है वो बड़ा है ना थोड़ा सा? नहीं, मेरा 0.25 बड़ा, 0.25 ओके। तो ये तो बात है, जैसे ही मेरा नंबर कम या ज़्यादा होने लगता है ना, मेरे तो हेडेक होने लगता है, तो मेरा इतने दिनों से हेडेक हो रहा था, तो यही कारण था कि मेरा सर दर्द हो रहा था। जैसे किसका है ये, मेरा नहीं है, ये मेरा फ्रेम है, बहुत ही सुंदर था, ये मैं जब रेडी होंगी ना तब पहनूंगी, मैं ऐसे नहीं पहनूंगी, आज नहीं पहनूंगी वेदांत। और वैसे भी मैं आज तो बैक कैमरा लेने वाली हूँ, मैं सिर्फ कैमरा होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए नेक्स्ट लेवल हो रही है, तो मैं चाहती नहीं कि आप लोग मेरी नेक्स्ट लेवल वाली हालत देखें। मतलब आगे की तरफ आपको पिंकिश कलर में मिलेगा, और यहाँ पे आपको कुछ और कलर मिलेगा, इस कलर को क्या बोलते हैं, काफी टाइम हो, हाँ, इस कलर को क्या बोलते हैं, मेटालिक, ये मेटल में है, गोल्डन का, कॉपर कॉपर कॉपर, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी फ्रेम बहुत ज्यादा लाइट है, और काफी 2 साल हो गए मुझे लगता है ना, हाँ 2 से 2.25 साल हो गया मेरे को बनवाए हुए। इसका जो लेंस है इसको ऑलमोस्ट हो चुके हैं 3.5 इयर्स ऑलमोस्ट, और ये मैंने जो इसका फ्रेम है वो मैंने सोफा से 1 टाइम चेंज करा है, वो आपने हमारी फर्स्ट जब हम लोगों ने पूरी बिगनिंग की थी ब्लॉगिंग की, उस वाली ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप देख लिया करो, उसमें बना दिया करो, सपोर्ट दिया करो, आपने यहाँ पे आ चुकी है वो घड़ी जिसका, तो इसका तिलक तिलक निकाला जाए, हौली हौली बन जाए वेदांत,
क्योंकि नया है ना। ओ वाओ ग्रेट, अच्छा लुक कैसा लग रहा है मुझे तो नहीं पता है, काफी अच्छा लुक आ रहा है मेरे लाडली बेटे का। चलो अब इसका सुपुत्र का, क्योंकि इसको भी इसके बाद लगा के क्या करनी है, तो पहले इस भगवान को छुआ के आए इस चश्मे को, ताकि तेरे को वो बुद्धि दे और पढ़ सके। मैन्युफैक्चर होती हुई नहीं रेडी होती, मैन्युफैक्चर कोई फैक्ट्री से थोड़ी बन के आया है, पता नहीं क्या बोल रहा है। फैक्ट्री से नहीं बना है। डाउन करके बताना कैसा लग रहा है, और वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और आज ना मैं बड़ा ही ज्यादा हैप्पी हूं। मैं आप ट्राई करो नहीं बढ़ना नहीं, अभी मेरा ढंग से रख दे तरीके से, इज्जत के साथ रख दे। हां बहुत ही प्यार से, जब मैं अच्छे से रेडी होंगी ना तब पहनूंगी मैं मेरा चश्मा, और फिर मैं ब्लॉग में दिखूंगी। उससे पहले मैं चैलेंज करती हूँ आप लोगों को, मैं ब्लॉग में नहीं आऊंगी। तो चलिए फिर हम लोग, नहीं तो चलिए फिर विधान की सुनिए, विधान की तरीके से ब्लॉग को एंड करता है, हैप्पी एंडिंग करते हैं ब्लॉग की बगैर लड़ाई झगड़े के, क्योंकि हम दोनों माँ बेटे में अक्सर लड़ाई झगड़िया बहुत ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़िया होती है। तो इसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वेदांत को करनी है पढ़ाई, कल है उसका कंप्यूटर का पेपर, जो एक ही चैप्टर वो अंशु दीदी से पढ़ के आया है, एक और मैंने थ्री कर लिया क्या, तो अभी 5 चैप्टर्स और मेरे को लेना है तेरा टेस्ट तो फिलहाल। और हाँ एक चीज़ और, पहले वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आप लोग का रिस्पॉन्स अभी तक हमने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने वो वीडियो जस्ट अपलोड किया है और ये वाला वीडियो मैं बना रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि किसने वो वीडियोस देखे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए और सपोर्ट दीजिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा है, तभी हम लोग यहाँ तक आ सके हैं और आप लोग के साथ आगे तक जुड़े रहने की इच्छा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और कमेंट करते रहिए कि आप लोग को ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं एक्चुअली में, जिनका मैं नाम पर्सनली लेना चाहूँगी, वो है श्रुति जी, जो हमारे सारे ब्लॉग्स देखती हैं और सब पे वो कमेंट करती हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं उनके, मतलब अगर वो कोई भी ब्लॉग स्किप भी कर देती हैं तो वो सारे ब्लॉग्स मुझे लगता है एक ही दिन में देख लेती हैं। हाँ तो वो एक ऐसी सब्सक्राइबर है जो हमारे एक भी वीडियोस को स्किप नहीं करती है, और अगर छूट जाते हैं तो वो उसको देखती हैं, लाइक करती हैं और कमेंट करती हैं, और उनके कमेंट्स पढ़ के तो मज़ा ही आ जाता है। तो थैंक यू श्रुति जी, दिल से थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे को मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।